हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लेके आए हैं दोस्तों स्पाइडर प्लांट के ऊपर एक नया वीडियो। तो आइए जानते हैं इस प्लांट के बारे में और कैसे इसकी केयर करनी है, कैसे इस खूबसूरत प्लांट को आप भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी बहुत सारे प्लांट हैं। इसका हम एक छोटा सा बेबी प्लांट लाए थे। आपके आसपास कहीं ये प्लांट दिख जाए तो आप इसका छोटा बेबी प्लांट ला सकते हैं। इसमें साइड में रनर होते हैं जिसमें इसके बेबी प्लांट लगे होते हैं, कुछ इस तरह से इसके रनर होते हैं। और ये छोटू सा जो आप देख रहे हैं ये इसका बेबी प्लांट है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ऐसा ही एक प्लांट हम ले आए थे और उसके बाद से फिर ये अपने आप दोस्तों प्रोपोगेट होता गया और बढ़ता गया बढ़ता गया, बहुत अच्छा चलता है। ये मैंने एक बास्केट में लगाया है, हैंगिंग बास्केट तो नहीं है लेकिन जो गमले होते हैं थोड़ा चौड़े से वो है। तो ये दोनों प्लांट मेरे उसी में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कितना घना हो गया है और पूरा पॉट जो है वो भर लिया है इसने। आप चाहें इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है जब इसके रनर्स लटकते हैं, इसकी पत्तियां लटकती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो दोस्तों इसकी केयर कुछ ख़ास नहीं है, आप नॉर्मल जैसे प्लांट की केयर करते हैं, टाइम टाइम से इसमें पानी देना है और साल में 2 से 3 बार इसमें कोई भी खाद आप डाल सकते हैं, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट या फिर जो आप घर में कंपोस्ट बनाते हैं उसको भी आप दे सकते हैं। और पानी के लिए दोस्तों जब इसका पानी सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालें, बहुत ज़्यादा गीला ना रखें मिट्टी को, बहुत ज़्यादा गीला रखने पे प्लांट के मरने का डर रहता है। तो ये 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट आपका सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। और साथ में इसे बहुत तेज़ धूप में ना रखें, जैसे अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है तो आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ शेड हो, छाया हो। बहुत तेज़ धूप में अगर इसे रख देंगे आप तो इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी। और दोस्तों इसकी खूबसूरती तो इसकी पत्तियों में ही है, तो इसे आप छाए वाले जगह पे ही रखें, शेड में रखें, जिससे कि इसकी सुंदरता बनी रहे और ये अच्छे से ग्रो करें। तो इस तरह से अगर आप केयर करते हैं अपने प्लांट की तो आपका प्लांट भी सालों साल चलेगा। और एक प्लांट लगाएंगे तो उसके साथ आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो और भी मेरे पास प्लांट हैं स्पाइडर प्लांट के, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों आप इस तरह से कोई भी रेलिंग बास्केट में भी आप इसे लगा सकते हैं और देखिए इसमें भी कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है और साथ में इसके रनर्स भी निकल रहे हैं। तो ये बड़े होकर के नए बेबी प्लांट बनाएंगे और उसी से नया प्लांट तैयार होता है। इसमें हमने 2 प्लांट मिक्स करके लगाया है, एक तो 9 o'clock भी लगा है और एक ये स्पाइडर प्लांट भी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, आप इस तरह से भी इसे लगा सकते हैं या फिर आपके पास कोई हैंगिंग बास्केट हो तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। साथ में हमने इसे क्यारी में भी लगा दिया था, तो देखिए ये क्यारियों में किस तरह लगता है। तो यहाँ पे मेरी क्यारी में ये लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, कुछ तो हमने दे भी दिया है कई लोगों को। ये एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो इस तरह से इसे ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है। और भी दिखाती हूँ दोस्तों, एक प्लांट ये है, आप देख रहे हैं कितना घना है और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं और इसमें बहुत सारे रनर्स निकले हुए हैं।
आप देख सकते हैं। तो आगे चल के ये सब न्यू प्लांट बनाएंगे। तो इस तरह से जहाँ भी आपको ये प्लांट दिखे, आप उसका रनर का छोटा सा ये बेबी प्लांट ले लें और अपने गार्डन में लगा लें। बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो ये रही मेरी आज की वीडियो दोस्तों। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।